वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज हम बहुत ही फटाफट से बनने वाला ये प्याज का बहुत ही सॉफ्ट सा पराठा बना लेते हैं। इसके लिए ना तो हमें आटे को गूंदना है और ना बेलना है, और ये सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है प्याज, गेहूं का आटा, अदरक, हरी मिर्च, कुछ सूखे मसाले और थोड़ी सी हरी धनिया। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बाउल में हम दो प्याज डालेंगे। इस तरह से बारीक बारीक मैंने ऑमलेट कट कट कर ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चम्मच अदरक ली है बारीक कटी हुई, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाला है, एक दो चम्मच मैंने यहाँ पे हरी धनिया बारीक कटी हुई डाला है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा और अजवाइन। एक चम्मच तेल डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे प्याज में बहुत ही अच्छे से सभी मसाले कोट हो जाएँ, मिक्स हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि आटा हम जब डाल देते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए पहले एक बार प्याज को इस तरह से मिक्स करिएगा, उसके बाद ही हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी आटे के लिए ये मैं चार पराठे का सभी चीज़ें उसी हिसाब से चार पराठे के हिसाब से मैं सभी इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। आपको जितना बढ़ाना है घटाना आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। अब देखिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और इसे अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स करते रहना है। आधा ग्लास मेरा पानी लगा है, तो इस तरह से देखिए जब इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो इसे ढक के हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो इसे आप थोड़ा पतला करिएगा, अगर टाइम हो तो इसे हम आम 5 से 10 मिनट छोड़ेंगे तो पानी प्याज का छूटेगा, जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाएगी। तो जब देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी हो जाए, अगर नहीं होती तो आप थोड़ा बहुत पानी और डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच। उसके बाद मैंने तवे को अच्छे से गर्म किया, उसमें मैंने 1 चम्मच भर के तेल डाला है, 1 बड़ा चम्मच। तेल आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन मैं दोबारा इसमें तेल नहीं डालूंगी, दोनों तरफ की मैं अपने पराठे इसी तेल से सेक लूंगी। मैंने ज़्यादा तेल इसलिए डाला है ताकि हमारा जो पराठा है वो चिपके ना। इस तरह से मैंने देखी इस कलछुली से मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे बैटर अपना तवे में डाल के डोसे की तरह इसे फैला दिया, लेकिन डोसे की तरह हमें पतला नहीं करना है, हमें पराठे जैसी कंसिस्टेंसी इसे करना है, इसे रखना है और इसको हम अच्छे से फैलाते रहेंगे ताकि इसका अच्छा सा जब तक गोल सा शेप नहीं आ जाता। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, उससे टेस्ट पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक तरफ का कुक हो जाएगा 2-3 मिनट, उसके बाद हम इसे इस तरह से पलट लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं रखना है। दोनों तरफ से पलटते हुए हमें इसे पका लेना है और थोड़ा थोड़ा सा हम इसे दबाते भी रहेंगे ताकि जो भी कोर वगैरह इसके किनारे जो हल्के मोटे मोटे से अच्छे से सिक जाए। फ्लेम हमारी मीडियम है, ये लो और या हाई नहीं है। इस तरह से देखिए हमारे पराठे दोनों तरफ से सिक चुके हैं। 5 मिनट लगता है हमें इस पराठे को बनाने में, 5 से 7 मिनट, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सा बन के रेडी होता है। तो देखिए हमारा एक पराठा बन चुका है। उसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। मैंने तेल डाला है तवे पे तेल डालने के बाद उसके बाद हम अपने बैटर को डालेंगे 2 चम्मच और इसे अच्छे से फैला लेंगे। हाँ, हो सकता है कि आप अगर पहला पराठा बनाए तो थोड़ा टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, दूसरा पराठा आपका ज़रूर सही बनेगा। और अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल लोहे का तवा जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं, रोटी पराठा वगैरह बनाते हैं, कबाब वगैरह, उसी को मैंने यूज़ किया है। तो देखिए एक तरफ से हमारा पराठा जो अच्छे से हल्का सा सिक चुका है, उसके बाद इस तरह से पलट देंगे और 5 मिनट इसे हम मीडियम फ्लेम पे फिर कुक करेंगे एक तरफ से, और फिर इसे अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छा सा हम पका लेंगे जब तक कि इस तरह से इसके ऊपर हल्की गोल्डन ब्राउन सी इस तरह से चित्ती नहीं पड़ जाती और अच्छे से हमारा कुक नहीं हो जाता चीला या फिर पराठा प्याज का, जो भी आप चाहें इसे कह सकते हैं। आप इसे प्याज का चीला भी कह सकते हैं और प्याज का पराठा भी कह सकते हैं। तो देखिए हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा बन के रेडी हो चुका है। इस तरह से हम बहुत ही झटपट से, जब भी हमें अगर बहुत थोड़ी बहुत भूख लग रही है, टाइम नहीं है और थोड़ा आटा गूंदने वगैरह का मन नहीं कर रहा है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से आप नींबू के साथ, किसी भी चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ इसे बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और ख़ास बात इसकी ये है कि बच्चे भी इसे बहुत ही अच्छे से इंजॉय करते हैं। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।